हर प्रसंग का एक अपना अनुभव होता है, कुछ जानने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, हर एक का अपना अपना महत्व होता है। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि सारे इतने कार्यक्रमों के बीच वो कौन सा कार्यक्रम है जो आपको सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला है, अपने दिल के करीब है, तो मैं कहूंगा क्या कौन सा? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। Prime Minister Narendra Modi reached out to students across the country in his third Pariksha Pe Charcha address in the national capital, Delhi, on Monday. इस दशक में देश जो भी करेगा उसमें इस समय जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनका सबसे ज्यादा योगदान होगा। मतलब ये दशक महत्वपूर्ण बने, नई ऊंचाइयों को पाने वाला बने, नए सपने, नए संकल्प, नए अरमान, नई सिद्धियों के साथ आगे बढ़े, ये सब इस पीढ़ी पर ज्यादा निर्भर करता है। और इसलिए भी इस दशक के लिए मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। In over an hour-long interaction with over 2,000 students, the Prime Minister emphasized that students should come out of the mindset of scoring good marks in examinations. आज दुनिया बहुत बदल चुकी है, संभावनाएं बहुत बढ़ गई है। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। उसी प्रकार से कोई एक एग्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है, वो एक पड़ाव है। सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का ये महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए, लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना। Talking about the importance of extracurricular activities, the Prime Minister said, not pursuing co-curricular activities can make a person like a robot. अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला है उसी प्रकार से सुबह से शाम करते रहोगे तो आप रोबोट बन के रह जाओगे। क्या हम चाहते हैं कि मेरा देश का नौजवान रोबोट बन जाए? नहीं चाहते हैं। हमारा नौजवान ऊर्जा से भरा हुआ, सपनों को लेकर चलने वाला, साहस सामर्थ्य दिखाने वाला, ये अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए हमने अन्य गतिविधियां एक्टिविटी उसमें उदासीन कभी नहीं रहना चाहिए। ये ठीक है, समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, संतुलन करना चाहिए, लेकिन उस एक्टिविटी यानी बिल्कुल बेकार, सब बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। और ये 2020 का सिर्फ नया वर्ष ऐसा नहीं है। He also advised parents not to pressurize students about exams. माँ बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो कुछ नहीं, ये जो मूड बना देते हो, मेहरबानी करके ऐसा मत करो। ये हुआ अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा हो और अच्छी बात है,
लेकिन कुछ न हुआ तो जैसे दुनिया लूट गई, ये सोच बिल्कुल ही आज के युग में उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे स्कोप है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं आप। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। The Prime Minister also gave some very actionable tips on various aspects of exam preparations. Tackling the fear of failure was one of the central themes of Prime Minister's address. He gave them many tips on how to give exams. First off, he asked the students to start with an easy question while gradually moving to tougher questions. गुजराती में एक कहावत है, वो ही काम मैं करता हूँ। हजारों छात्र छात्राओं के अलावा विश्व भर के 25 देशों से 30 करोड़ एग्जाम को लेकर Asked as to what is the best time to study, the Prime Minister advised that ample rest is as important as the study itself, adding that one should only follow a routine that one finds comfortable and effective. ज्यादा निर्भर करता है, माना गया है और जिसमें मेरा भी विश्वास है कि सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है और अध्ययन से ही शुरू करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर विद्यार्थियों का प्रॉब्लम यह है। जरूरी नहीं है कि आपको रात को पढ़ना है या सुबह पढ़ना है, हर एक की अपनी विशेषता होती है, अपनी आदतें होती हैं और आप जिसमें कंफर्ट हो वही करो। सिद्धांत है कि सुबह ठीक रहता है, लेकिन फिर भी अगर वो आप कंफर्ट नहीं है तो फिर काहे परेशान हो भाई, रात को पढ़ लो। वरना फिर क्या होगा, रिजल्ट जब आएगा तब आप दीदी को बताओगे कि तेरे कारण रिजल्ट अच्छा नहीं आया। On the issue of sudden blanking out during exams, the Prime Minister asked the students to be thorough in their preparation. He urged the students to be confident about their own preparation and not enter the exam hall with any pressure. आप भी अच्छा अच्छा इतना ऐसा है, ठीक है, पेन ठीक है, थोड़ा ऐसे ही दो एक एक आध मिनट ऐसे ही निकाल दीजिए। बड़े तनाव में बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर ये कर लिया। दूसरी बात है कि आप बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते हैं। आत्मविश्वास लेकर के जाना है, जितना आत्मविश्वास भरा हुआ होगा आप बहुत सरल। और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके टीचर ने यह न समझाया हो कि भाई 10 सवालों का जवाब देना है, तुम्हारे पास 1.5 घंटा है, तो ऐसा करो सबसे सरल है उसको पहले से लेकर उसका जवाब दे दो ताकि कम समय में काम, ऐसा ही कहते हैं ना, ऐसा ही सिखाते हैं ना, 1, 2, 3, 4 कोई नहीं कहता है। छठे नंबर का सवाल ठीक लगता है तो पहले छठे का कर लो ताकि बाद में समय बच जाए। मैं भी आपसे कहूंगा कि हम एक बार सरल चीज को हाथ लगाएंगे तब तक आप एकदम से उसके साथ एकस्टम हो जाते हैं तो आप बड़ी सरलता से चीजों को चलाते हैं। Answering a student's query on failures in competitive exams, Prime Minister Narendra Modi said that every student should read his book Exam Warriors to deal with failures and exam pressures. Talking about setbacks and failures, the Prime Minister said a temporary setback could mean that the best is yet to come. The Prime Minister also told students to realize their own potential by coming out of their comfort zones and challenging themselves. ये बात सही है कि खुद को जानना बहुत कठिन होता है, लेकिन जानने का तरीका क्या हो सकता है? जानने का तरीका ये होता है कि अगर हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, प्रोटेक्टिव लाइफ में से बाहर आते हैं और खुद को कहीं ना कहीं चैलेंज मोड में ले जाते हैं, तब पता चलता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये करने की मेरी क्षमता या है या नहीं है।
क्योंकि मैं भी तो आपके परिवार का सदस्य हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। With technology becoming an inseparable part of our daily life, Prime Minister Narendra Modi advised the students to not be controlled by it. He also asked them to learn from their failures. Take full advantage of technology, but don't get addicted to it. That's Prime Minister Narendra Modi's mantra for the students, as he told them to manage one or two technology-free hours every day and spend time with their family members instead of social media. आपने देखा होगा आजकल परिवार में तीन लोग हैं, सभी तीन कोने में बैठे हैं, हर कोई मोबाइल में बिजी है। दो काम आप कर सकते हैं क्या? करेंगे? करेंगे? मैंने काम तो बताया नहीं, क्या करोगे? देखिए, एक काम आप जीवन में तय करेंगे पर डे, इतना समय मेरा, एक घंटा, दो घंटा, केयरफुल, जो मैं खाली हूं लेकिन मैं अपने आप को टेक्नोलॉजी से दूर रखूंगा। जिस परिवार में दो तीन कमरे होते हैं, कुछ बहुत ही गरीब परिवार है, उनके लिए तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन दो तीन कमरे हैं, क्या आप तय कर सकते हैं माँ बाप से आज बैठ करके वापिस जाने के बाद कि घर के अंदर एक कमरा ऐसा तय करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी को नो एंट्री। You also asked the students to use technology for their benefit. विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने पूर्ण रूप से जीवन को बदल दिया है। एक प्रकार से जीवन भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, और इसलिए टेक्नोलॉजी का भय ये कतई अपने जीवन में आने नहीं देना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी है, मैं क्या करूं, आने नहीं देना चाहिए। दूसरा, अब टेक्नोलॉजी आई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं पहले तो ऐसे सोचता था, ऐसे करता था, अब नई चीज आई, मैं कैसे कोप अप करूंगा? जी नहीं, टेक्नोलॉजी को हम अपना दोस्त माने, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को हम पहले से समझने की कोशिश करें, हम प्रोएक्टिव हो। आज आपका स्मार्टफोन जितना समय खाता है, जितनी चोरी कर जाता है, उस पर से 10 मिनट अपने दादा दादी माँ उनके साथ बैठ के बिताओ तो टेक्नोलॉजी ज्यादा उपकारक बनेगी कि दादा दादी के साथ खुले मन से 10 मिनट की बात उपकारक क्या होगा? मतलब टेक्नोलॉजी हमारा समय चोरी कर जाए, टेक्नोलॉजी हमें खींच के ले जाए, इससे हमें बचना चाहिए। हमारे में वो ताकत होनी चाहिए कि मैं टेक्नोलॉजी को मेरे कब्जे में रखूंगा, मैं टेक्नोलॉजी को मेरी इच्छा के अनुसार उपयोग करूंगा। Lessons for success, the Prime Minister stressed, could be found even in our failures. उस दिन मैं भी वहां मौजूद था। कुछ लोगों ने मुझे, मैं आज सीक्रेट बताता हूं, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि मोदी जी आपको वहां इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, आप जाएंगे और फेल हो गया तो क्या करोगे? मैंने कहा इसीलिए मुझे जाना चाहिए। और जब लास्ट कुछ मिनट से मैं देख रहा था साइंटिस्टों के चेहरे पर बदलाव दिख रहा है, तनाव दिख रहा है, एक दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो मैं समझा कुछ अनहोनी, हम साइंटिस्ट तो है नहीं तो पूरा समझ तो आता नहीं था, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा कुछ अनहोनी हो रही है। फिर थोड़ी देर में आकर के उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है आप ट्राई कर रहे हैं करिए, मैं बैठा हूँ। फिर एक 10 मिनट के बाद उन्होंने बताया साहब नहीं हो रहा है, तो फिर मैं कुछ साइंटिस्टों के साथ वहाँ बैठा, कुछ बातें की, अंदर भी जाकर के थोड़ा चक्कर लगाया,
चिंता मत कीजिए, ऐसा करके फिर मैं रात को करीब 3 बज गए थे, मैं अपने होटल पे गया। मैं सुबह उन साइंटिस्टों को फिर से इकट्ठा किया, मेरे भाव मैंने व्यक्त किए, उनके परिश्रम को जितनी सराहना की जा सकती है कि देश के सपनों की बातें की, एक पूरा माहौल बदल गया। और वहां बदला ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बदल गया। जिस घटना ने और बाद में क्या हुआ सब आपने टीवी पे देखा है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। कहने का मतलब ये है कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। After technology and Chandrayaan, Prime Minister Modi used cricket as an example to outscore an important life lesson. 2002 में भी आपने देखा होगा, भारत की टीम वेस्ट इंडीज खेलने गई थी, तो उस समय हमारे एक अच्छे बॉलर अनिल कुंबले, उनको एक बाउंसर से चोट आई और पूरा जड़वा टूट गया, काफ़ी पट्टियाँ वट्टियाँ बांध करके, और उसका पेन आप समझ सकते हैं, यहाँ जब चोट लगती है तो दांत में थोड़ा सा भी दर्द होता है कितना होता है। अब स्थिति ये थी कि अनिल बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की, रोते नहीं बैठे। अगर वो न भी खेलते तो देश उनको दोष नहीं देता, लेकिन उन्होंने तय किया नहीं, मेरा जिम्मा है, ठीक है दर्द होता है तो होता है, जितनी पट्टियां लगा सकते हैं लगाएं, मैदान में उतरे। और आपको पता होगा कि उस समय 12 की विकेट लेना यानी बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, और ब्राउन लारा की विकेट लेकर के उन्होंने मैच का पूरा चित्र पलट दिया। यानी एक व्यक्ति का संकल्प औरों को भी मोटिवेशन का कितना बड़ा कारण बन जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं आपके सामने होगी जिसको देख करके आप तय कर सकते हैं कि मैं इमोशंस को मैनेज करने का मेरा तरीका, उस पर देखने का मैसा कर कैसी तरीका है उस पर निर्भर करता है। अगर इसको हमने कर लिया तो मूड ऑफ होगा, लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे। While nearly 2,000 students and teachers attended the Prime Minister's interaction, crores watched the event live online. Over 1,000 students were selected through an essay competition organized by the HRD Ministry. Students also displayed paintings and artworks depicting social messages at an exhibition at the event. Teachers and educationists agree that the subject of examinations is one that needs to be approached with great sensitivity to actualize the potential of the students to the maximum. Let's take a look at what they suggest. According to studies, on average, examination anxiety affects 40% students. It increases as exam time approaches. Such stress translates into behavioral, emotional, learning or mental symptoms. It could manifest as depression, anxiety, disruptive behavior or even intellectual disability. So we have to build a self-belief system, and we should not build that, oh, if this will not happen, then I'll be a failure. I think this distinction, if we are able to tell our children right from the beginning, to take everything as a step of learning and growing and preparing for life, then stresses will have a very small role to play in us. You see, no success can come without failure. He gave the example of a child starts walking, he falls down, he again gets up and then starts walking. So as the child learns, and everybody learns out of the failures, even many inventions and discoveries, if you see, Thomas Alva Edison couldn't make the bulb in one day, 2000 time failed, and then he could make the bulb. So message was this, failure should not distract us, failure should not disappoint us, rather failure should always be a learning experience so that you can create the success of coming age. Educationalists say the solution lies in students, teachers and parents. That whenever children are faced with this thought of
not accomplishing something, I think we should come around the child and show the big picture to the child and give the belief and the support that the children deserve. He wanted to give a message to the parents that do not leave them totally free, but at the same time, do not be a cause of pressure. Now, this requires a very balancing act. And therefore, Prime Minister's advice is that, look, you have to pursue them to commit and devote to their job, to their duty. But do not attach it to the external things such as, oh, your admission, oh, your marks, your future. That builds the pressure. While a certain amount of stress leads to alertness and careful behavior in terms of revision of overlooked chapters before exams, it could lead to poor performance if it spirals out of control. He said that failure, what you see, is a stepping stone. And we get depressed by failure because we have attached too much into the outcome of that particular event. So he says that do not identify too much with a particular accomplishment, such as one examination. Because if you identify, then the failure there will be a cause of stress. So you can remove your stress by detaching yourself too much with the outcome. In addition to making exams less about rote learning and more about understanding, educationists agree that they need to make exams joyful to help students have a different perspective towards exams. With inputs from Kunal, Bureau Report, Rajya Sabha TV. So that's it from us today in In Depth. We'll be back same time tomorrow.